तुम नाजरीन आप देख रहे हैं वट एंड हो चैनल ड्रामा सीरियल नमक हराम की नेक्स्ट नेक्स एपिसोड में क्या होने जा रहा है आसन को अमरीद की सारी हकीकत पता चल जाती है और वो उसे वार्निंग देने उसके घर पहुंच जाता है उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता चल चुकी है तुम किस चीज़ का बदला ले रहे हो और उस सब के पीछे तुम ही हो लेकिन इसके आगे वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर अब अपनी जान के अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और ये सब खत्म कर दो क्योंकि तुम्हें ऐसी मौत आएगी कि तुम पे ना मांगोगे लेकिन यहाँ मुरीद तो किसी की बातों में से डरने वाला नहीं क्योंकि उसके साथ है, अस्मा का साथ है और अस्मा भी ये बात जानती है और वो ये बात तो वो नहीं जानता यहाँ तक कि यहाँ पे वो उसको भी कह देता है कि तुम अपने घर चले जाओ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ लेकिन असमा उसके स्ट्रेंथ है yes, आसमां उसकी स्ट्रेंथ है और वो जानती है कि वो जब तक वलीद के साथ है मरीद का कोई बाल भी बंका नहीं कर सकता यहाँ पे अमीन कृषि की बीवी को ये बात पता चल जाती है तो वो मरीद को कहती है कि बेटा ये सब जो हुआ है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है तुम अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रहे हो जबकि वो तो खुद ही मरे थे लेकिन यहाँ पे वो हंसने लगे और कहता है कि आप कितनी मासूम हैं आपको तो किसी सच्चाई का पता ही नहीं जहाँ पे आपको भी धोखा दिया जा रहा है वहाँ पे आप कैसे कह सकती हैं कि मैं जो हूँ वो धोखे में नहीं हूँ इसलिए आपको भी इन सब से दूर रहना चाहिए और आप भी मेरे साथ ही चलें नहीं तो ये मीन क्रेशी किसी का सगा नहीं है ये सब को मरवा देगा और फिर अब और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती की है तो इस बात का यकीन नहीं करती लेकिन अब यहाँ पे मुरीद सोच रहा है कि उसका गला उसका अगला स्टेप क्या होगा और वो यही सोच रहा है कि अब सामना करने का वक्त आ चुका है अब अमीन कृषि के सामने खड़े हो के उससे इस बात का इजहार करने का टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हारा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ और जो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है जिसके जानते ही अब वो भी इसका दामाद जो है वो भी उसके सामने खड़ा हो जाएगा और उसे कहेगा कि तुम इस फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं इस फैमिली के साथ हूँ और इसका बाल भी बाकर नहीं करने दूंगा लेकिन यहाँ वो दोनों जब आमने सामने आते हैं तो थोड़ी फाइटिंग भी होती है और थोड़े एक्शन सीन भी होते हैं उसके बाद मीन क्रेशी गन लेकर आ जाता है और मरीज के सर पर रख देता है और कहता है कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया आज के लिए इतना ही काफ़ी नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अल्लाह हाफिज़